कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। एक एक सांस की कीमत को समझिए। नाम जप करते हुए इस सांस को, इस अनमोल सांस को अमर कर दीजिए, महत्वपूर्ण बना दीजिए। आपकी एक एक सांसें बहुत कुछ देने वाली, बहुत कुछ। हर एक सांस के प्रति सजग होना इतना जरूरी है। इसमें मोती छिपे हुए हैं, माणिक के छुपे हुए हैं एक एक सांस में। यूं ही ना जाने दें, एक भी सांस यूं ही ना जाने दें। निसंदेह हम सब इस धरती पर कुछ करने, कुछ सीखने, कुछ समझने, अपने आप को बढ़ाने आए हैं। अपने अंतिम लक्ष्य उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर की प्राप्ति या वही बन जाना है जहां से हम कभी बिछड़े थे, कभी बिछड़े थे। लाखों जन्म बीत गए, बिछड़े थे, किसी कारण से बिछड़े थे। वहीं वापस पहुंचना, उसी स्तर पर, उसी जगह पर जाके लगना है। उस आनंद सागर में समाने के लिए हमें जरूर अपनी गहराई को समझना होगा। एक-एक सांस जो करने इस पर्टिकुलर जन्म में अभी आ पाए हैं, सांसें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। स्वर योग का इस्तेमाल करें, समय की हर एक सांस को वैल्यूएबल बनाते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर को बढ़ाते हुए, जो भी संभव है यहाँ के लिए करते हुए निकल चलना है दोस्तों, निकल चल। ना तो यहाँ आपका कोई दुश्मन है और ना ही दोस्त, उस परम पिता परमेश्वर के अलावा कोई दोस्त या दुश्मन हो भी नहीं सकता, क्योंकि शाश्वत एकमात्र वही है। बाकी सब क्षणिक है, क्षणिक है, क्षणिक है। और क्षणिक को दोस्त या दुश्मन बनाने से मतलब ही क्या निकलेगा? इस धरती की समस्त भोग्य ऐश्वर्य की वस्तुएं भी आप पा लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अंततः अंततः तो आप तभी निकल पाएंगे यहां से जब इस सांस रूपी जो कैश हमें दिया गया है, सांस रूपी कैश, जैसे मान लीजिए किसी को मार्केट भेजा जा रहा है, उसको कुछ कैश दिया जा रहा है। सपोज कीजिए आप ही किसी को भेज रहे हैं कुछ पैसे देके कि जाओ ये पर्टिकुलर चीज खरीद के ले आना। उसी तरह हम सब धरती पे आए हैं किसी पर्टिकुलर चीज को ले जाने के लिए, किसी पर्टिकुलर कार्य का संपादन करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर लेसन्स लेने के लिए। और हम यहाँ पर वही हाल हो रहा है हमारा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो वो जिसको आपने कैश लेके भेजा तो था, अब वो रास्ते में मार्केट में जाके कुछ भी कर रहा है, बहुत सारे बाजार है, हाट लगी है, भटकाव बहुत है। अब वो ये किया, वो किया, ये किया। कैश तो सीमित था, सांसें तो सीमित हैं, समय तो सीमित है, समय तो बीत गया, वापस आता है। आपने पूछा, वो पर्टिकुलर चीज ले आए, अब वो बताता है कि वहां इतनी अच्छी मार्केट लगी थी, ऐसी ऐसी दुकानें सजी थी, मैंने ये खाया, ये पहना। क्या आप उससे संतुष्ट होंगे? क्या आप उससे खुश होंगे? नहीं। उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, क्या जो करने आए थे वो हम कर रहे हैं? जब हमारा मालिक हमसे पूछेगा कि हमने तुमको ये चीजें दी थी, ये करने तुम धरती पर गए थे, तुमने किया? हमारा भी उत्तर
अगर जागरूक ना हुए तो ना ही होने वाला है। तो वापस कहेगा कि जाओ, जो नहीं करके आए हो वापस करके आओ, या जो भी उसकी सजा निर्धारित होगी, जो जिस भी तरीके से आगे का निर्धारण होगा वो किया जाएगा। तो दोस्तों, संभलने की जरूरत है, समझने की बात है, हर एक सांस की कदर करें, जागरूक रहें, अपने को समझें, अपनों को समझें, जिस कार्य के लिए इस धरती पर आप हैं उसे जरूर करें, एक एक सांस को बचाएं, उसकी वैल्यू अनंत गुना है, यूं ही बर्बाद न जाने दें। सांसों की बड़ी महिमा है, सांसों की महिमा को समझें, सांसें लेनी कैसी है, होल्ड कैसे करनी है, लंबी गहरी, और उसमें प्रभु का नाम जप, परम सत्ता की याद, याद नाम अनेक हैं, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत्य है, अनंत तरीके से कहा सुना गया है, आपको जो समझ आता है किसी एक को पकड़ो और बस उसकी आराधना में लग जाओ। किसी सदगुरु की तलाश में, किसी की शरण में अगर आप पहुंच गए तो धीरे 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 रास्ता पार लगता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी।